और फिर 14वें अध्याय में प्रकृति के 3 गुणों के आधार से किस तरह मनुष्य के जीवन होते हैं, परमात्मा सतो रजो व तमो के रहस्य को उजागर करते हैं कि किस प्रकार प्रकृति से प्रत्येक व्यक्ति प्रभावित होते हैं और गुणातीत व्यक्ति के लक्षण एवं आचरण क्या होते हैं उसको स्पष्ट करते हैं। पहले श्लोक से लेकर 4थे श्लोक तक ज्ञान की महिमा और प्रकृति पुरुष से जगत की उत्पत्ति, 5वें श्लोक से लेकर 8वें श्लोक तक सत्व रजो और तमो की अभिव्यक्ति और 19वें श्लोक से लेकर के 27वें श्लोक तक गुणातीत पुरुष का आचरण लक्षण एवं उससे परे होने की विधि स्पष्ट की हुई है। और फिर भगवान बताते हैं कि इस ज्ञान के आधार पर मनुष्य मेरे जैसे दिव्य प्रकृति यानी दिव्य स्वभाव प्राप्त कर सकता है। ज्ञान के माध्यम से ही हम अपने स्वभाव के अंदर परिवर्तन को लाते हुए अपनी प्रकृति को दिव्य प्रकृति बना सकते हैं। हे अर्जुन, मेरा स्थान महद ब्रह्म यानी ब्रह्म महतत्व, जिसको कहा जाता है अनंत शांति का धाम। अब ये बात से बहुत स्पष्ट भगवान ने बता दिया कि मैं इस संसार के कण कण में व्यापक नहीं हूं, क्योंकि मेरा स्थान महद ब्रह्म अनंत शांति धाम है। उसमें मैं गर्भ धारण करता। किस प्रकार का गर्भ भगवान धारण करते हैं कि ये सृष्टि को रचने का। इसीलिए कहा जाता है कि भगवान को जब सृष्टि रचने का संकल्प आया तो वो जो सृष्टि रचने का संकल्प उत्पन्न हुआ ये उसके लिए गर्भ था। और ये गर्भ किसको दिया तो कहा वो संकल्प ब्रह्मा जी को दिया और ब्रह्मा जी ने फिर अपने संकल्प से सृष्टि का निर्माण किया। तो इस तरह से भगवान कहते हैं कि मैं उस अनंत शांति धाम में निवास करता हूं और उसमें मैं गर्भ धारण करता हूं, अर्थात उसमें सृष्टि के होने का मैं संकल्प स्फुरित करता हूं और फिर प्रकृति के संयोग से सब शरीरों की उत्पत्ति होती है। इसलिए प्रकृति गर्भ धारण करने वाली माता है और मैं बीज को स्थापन करने वाला पिता। इस तरह पुरुष प्रकृति और परम पुरुष के बीच में ये खेल चलता है कि किस प्रकार परम पुरुष वो संकल्प को स्फुरित करता है और प्रकृति के संयोग से शरीरों की रचना करते हैं और तब वो आत्मा उस शरीर के अंदर प्रवेश होकर के प्रकृति के संयोग में ही वो खेल के मध्य अपना कार्य करती है। और फिर भगवान कहते हैं प्रकृति से उत्पन्न होने वाले सत्व रजो और तमो ये 3 गुण अविनाशी देही यानी आत्मा को देह में बांधते। शरीरों की उत्पत्ति हुई, आत्माओं ने उसमें प्रवेश किया, इसीलिए जैसे ही शरीर तैयार होता है आत्मा कुछ समय के बाद उसमें प्रवेश करती है। जब तक शरीर तैयार नहीं होता है आत्मा प्रवेश नहीं कर सकती है। और जब उसमें प्रवेश करती है तो जिस प्रकार का गुण से वो शरीर बना है, सात्विक प्रकृति से बना है, राजसिक प्रकृति से बना है या तामसिक प्रकृति से बना है। अब वो प्रकृति कैसे निर्मित होती है तो व्यक्ति जिस प्रकार का भोजन करता है, जैसा भोजन सात्विक भोजन करता है तो उससे सात्विक प्रकृति का देह तैयार होता है। राजसिक भोजन करते हैं तो उससे राजसिक प्रकृति का देह तैयार होता है और जब तामसिक भोजन खाते हैं तो तामसिक प्रकृति का देह तैयार होता है।
और अगर हम तामसिक भोजन करने के बाद इच्छा करें कि हमें सात्विक गुण का बच्चा मिले, ये कभी हो सकता है? अरे जैसे आपने खाया है, जैसी प्रकृति अंदर डाली है, उसी प्रकृति से तो वो शरीर तैयार होने वाला है। फिर वो बच्चा अगर आपको दुख देता है, अब तामसिक प्रकृति वाला बच्चा तो दुख ही देगा ना। इसीलिए किस प्रकार का शरीर हमें तैयार करना होता है, ये हमारे ऊपर है। तब कहा कि प्रकृति से उत्पन्न होने वाले सत्व, रजो और तमो, ये तीन गुण अविनाशी देही को देह में बांधते हैं। सत्व गुण किसको कहते हैं? निर्मल मना पवित्र, बुद्धि को प्रकाश प्रदान करने वाला और निर्विकारी होने कारण वह व्यक्ति को सुख और ज्ञान के संबंध में ले आता है, बांधता है, वो ज्ञानी बन जाता है। रजोगुण वाले कामना और आसक्ति से उत्पन्न जानो वह आत्मा को कर्म के बंधन में बांधता है। और तमोगुण अज्ञान से उत्पन्न होता है, जो आत्मा को आलस्य, निद्रा और प्रमाद में बांधता है। इस प्रकार से जैसी प्रकृति वैसे ही आत्मा के अंदर भी लक्षण आते हैं। इसलिए आज दुनिया के अंदर भी और आगे गीता के अध्यायों में भी हम देखेंगे कि सात्विक भोजन किसको कहा जाता है, राजसिक भोजन किसको कहा जाता है और तामसिक भोजन जो तामसिक प्रकृति बनाती है। इसलिए तो कहा जाता है जैसा अन्न वैसा मन। जिस प्रकार के भोजन को हम स्वीकार करते हैं वैसे हमारे शरीर की प्रकृति तैयार होती है। बहुत स्पष्ट तरीके से बताते हैं कि तमोगुण की बुद्धि से अज्ञानता, आलस्य, अलबेलापन, प्रमाद और मोह की अभिव्यक्ति होती है, जिस कारण तमोगुणी मनुष्य अधोगति को प्राप्त होते हैं और पुनर्जन्म भी पशु समान होता है। पशु योनि में नहीं जाता है, मनुष्य योनि में रह करके ही पशु समान उसका जीवन बन जाता है, अर्थात नरक समान उसका जीवन बनता है। तो किस प्रकार की विचारधारा, किस प्रकार का भोजन आवश्यक है, तभी हम उस अनुसार प्रकृति से उत्पन्न वैसी आत्माओं को इस संसार में प्रकट करते हैं। फिर बताया कि जब रजोगुण बुद्धि वाले होते हैं वो कैसे होते हैं। जब रजोगुण में वृद्धि होती है तो अत्याधिक आसक्ति और स्वार्थ युक्त कर्म का प्रारंभ, अशांति एवं इच्छाओं का उदय होता है। रजोगुणी कर्म का फल दुख की अनुभूति होती है एवं रजोगुण की वृद्धि काल में मृत्यु को प्राप्त करने वाला कर्म बंधन होने कारण पुनर्जन्म भी जीवन बंध का अनुभव करता है। तमोगुण वाला पशु समान जीवन, नरक समान जीवन, रजोगुण वाला जीवन बंधन में महसूस करता है, जैसे हर क्षण कोई न कोई प्रकार के बंधन उसको बांधे हुए है, ऐसा अनुभव करता है। और सत्वगुण की अभिव्यक्ति कैसी होती है? तो सत्वगुण की अभिव्यक्ति को तभी अनुभव किया जाता है जब आत्मा तथा सर्व कर्मेंद्रियों में ज्ञान का प्रकाश प्रकाशित होने कारण उसमें ईश्वरीय अनुभूति का प्रवाह होता है। सत्वगुणी कर्म से अर्जित फल सात्विक, निर्मल और ज्ञान युक्त होता है और सत्व गुण की वृद्धि काल में मृत्यु को प्राप्त करने वाला भी श्रेष्ठ गति को प्राप्त होता है। तो इसलिए हमें किस प्रकार की अपनी प्रकृति को निर्मित करनी है, ये हमारे ऊपर है कि कैसे करना है। तब अर्जुन फिर और एक सवाल पूछता है कि हे प्रभु, गुणातीत व्यक्ति के लक्षण एवं आचरण कैसे होते हैं?
तो भगवान बताते हैं कि गुणातीत ज्ञानी पुरुष सत्तो रजो तमो गुणों के प्रभाव में नहीं आते और साक्षी दृष्टा बन जाते हैं। वह समस्त प्रतिक्रियाओं से निश्चल और अविचलित रहते हैं। वह निरंतर आत्मस्थिति में स्थित रहे निंदा स्तुति मान अपमान सुख दुख में संतुलित मन स्थिति वाला समान दृष्टि और भाव वाला धैर्यवान सर्व के साथ समान व्यवहार करता है। ये है गुणातीत माना ये तीनों गुणों से अतीत ऊपर की अवस्था वाले व्यक्ति के विशेषता कि वो कैसे ये तीनों गुणों के प्रभाव में नहीं आते, लेकिन ये गुणातीत स्थिति भी ज्ञान और पुरुषार्थ से प्राप्त की जाती है। साक्षी भाव प्रतिक्रियाओं में निश्चल जिसके अंदर कोई प्रकार का छल नहीं और अविचलित होता है, निरंतर आत्मस्थिति का पुरुषार्थ करते हुए उसको डेवलप करता है। तो ये गुणातीत व्यक्ति के लक्षण एवं आचरण स्पष्ट किए। फिर बताया कि वह किस विधि से गुणातीत बनता है। विधि बताई कि गुणातीत बनने की विधि भगवान स्पष्ट करते हैं कि जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव रख अव्यभिचारी भक्ति योग के द्वारा प्रकृति के गुणों के प्रभाव से परे हो जाते हैं, वह मेरे सानिध्य में आ जाते हैं, क्योंकि मैं ही अविनाशी अमृत शाश्वत धर्म और परम सुख परम आनंद का आश्रय। तो जो इस प्रकार परमात्मा सानिध्य को अपनाते हैं उसी विधि के आधार से वो गुणातीत स्थिति में जा सकते हैं।